नसीराबाद से अधिवक्ता स्वर्गीय रघुनंदन टांग की स्मृति में हुआ रक्तदान। अजमेर जिले के नसीराबाद शहर के अधिवक्ता स्वर्गीय रघुनंदन टांग की स्मृति में रविवार को नसीराबाद के गांधी चौक स्थित कम्युनिटी हॉल में रघुनंदन टांग परिवार व माँ भारती ग्रुप परिवार राजस्थान के सानिध्य में एक महारक्तदान शिविर का आयोजन पीसीसी सचिव व पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुज्जर व पार्षद महेंद्र डाबी के सानिध्य में माँ भारती के चित्र व स्वर्गीय अधिवक्ता रघुनंदन टांग के फोटो पर पुष्पमाला अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर दिया किया गया। शिविर में आए पूर्व विधायक रामनारायण गुज्जर ने भी रक्तदान शिविर का अवलोकन कर युवाओं की हौसला अफजाई की। शिविर के एक दिन पूर्व श्री बालाजी आईटीआई के संचालक व नसीराबाद के पूर्व चेयरमैन योगेश सोनी द्वारा अपने छात्रों की ओर से रक्तदान हेतु नागरिकों को जागरूक करने हेतु नसीराबाद में रैली निकाल रक्तदान करते हुए प्रेरित किया। शिविर में 235 व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया व 180 यूनिटी रक्त एकत्रित हुआ, जिसे अजमेर में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय व जनाना चिकित्सालय में डोनेट किया गया। शिविर में डॉक्टर राजश्री सुनील कुमार, श्रीमती मंजू देवी, सुरेंद्र श्री राम भरोसे, अशोक कुमार, लक्ष्मण व शंकर ने सेवाएं दी। शिविर व्यवस्था को सुचारू रूप से करने व रक्तदान युवाओं की सेवा में पवन ढिल्लीवाल, रेखा रेवड़, भावेश थदानी, गौरव टांक, अमित मित्तल, पिंटू टॉक, फैजान कुरैशी, मणिकांत शर्मा, अशोक गुज्जर, संजीव सेट्ठी, प्रदीप कुन्ना, जितेंद्र बन्ना, अरुण जिंदल, राजेंद्र सिंह राठौड़ के साथ जागरूक समाजसेवी कार्यकर्ताओं ने सहयोग प्रदान कर सेवाएं दी। शिविर में पहली बार 18 वर्ष के प्रांशु जिंदल, चिराग चेलानी व स्नेहा यादव ने भी रक्तदान किया। शिविर में रक्तदान करने आए सभी रक्तदाताओं को टांग परिवार व माँ भारती ग्रुप की ओर से प्रमाण पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया गया।